हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सुप। सो आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पबजी मोबाइल का ऑफिशियल वेबसाइट में है, जिसमें लिखा हुआ पैच नोट 0.16.5। तो आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि अभी मैं पैच नोट दिखा के क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तो अपडेट आ ही चुका है। रॉयल पास सीजन 11 तो अनलॉक हो ही चुका है, तो पैच नोट अभी लेट में दिखा के क्या फ़ायदा है। तो कुछ रीज़न है जिसके चलते मैं ये पैच नोट फिर से आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर आप ये पैच नोट को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बहुत सारा नया नया चीज़ ये अपडेट में आया है, जिसको आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिए हो। मैप्स भी है, मैप्स को आप खेल चुके होंगे बहुत बार, और रॉयल पास भी आपने देख ही लिया होगा। बट इसमें से कुछ चीज़ें था, मतलब कुछ एक पॉइंट था जो कि इसमें मेंशन तो किया गया था, बट वो चीज़ आज आया है। तो जैसे कि अगर मैं इसको ले जाऊँ थोड़ा नीचे, इधर आप देख पा रहे हैं क्लासिक मोड में एक सीज़न रिकैप नाम का कुछ चीज़ देखने को मिला। तो ये सीज़न रिकैप बीटा वर्जन में तो आ चुका था, बट हम लोग का ग्लोबल वर्जन में अभी तक आया नहीं था, बट फाइनली ये चीज़ आ चुकी है। इसमें आप देख पाए, इसमें लिखा हुआ आफ्टर द न्यू सीज़न स्टार्ट प्लेयर विल बी एबल टू व्यू देयर स्टैटिस्टिक फ्रॉम द प्रीवियस सीजन इन द सीजन रिकैप पेज। प्लेयर विल बी गिवन अ टाइटल दैट मैच देयर प्ले स्टाइल एंड ग्रेड बेसिस ऑन ऑल देयर डेटा फ्रॉम क्लासिक मोड। दे विल बी एबल टू सी देयर हाईलाइट एंड देयर टीममेट फ्रॉम द प्रीवियस सीजन। दे कैन ऑल्सो जनरेट एन एक्सक्लूसिव पेज विद अ बस्ट अप पोर्ट्रेट ऑफ देमसेल्फ दैट कैन बी शेयर्ड विद देयर फ्रेंड। तो सिंपली बताया जा रहा है कि एक सीजन रिकैप नाम का पेज बनाया गया पबजी का, नया कस्टमाइज पेज है, जिसमें आपका प्रीवियस सीजन में जो जो चीज़ आपने किया क्लासिक मोड में, कौन सा गन ज़्यादा अच्छा यूज़ किए, कैसा आपका गेम प्ले था, उसके साथ साथ आपका फ्रेंड कैसा रोल प्ले किया पिछले सीजन आपके साथ, तो ओवरऑल डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप वो वाला जो रिकैप पेज है उसको आप सेव करके रख सकते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको शेयर कर सकते हैं। अपने जो प्रीवियस सीजन है, मतलब सीजन 10 का डेटा किसी को भी आप दिखा सकते हैं, कितना अच्छा आपने खेला है और कौन सा मोड और कौन सा गन आपका फेवरेट है, सब आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग गेम में आ जाते हैं। ये वाला चीज़ इतना दिन नहीं था, बट आज शाम को वो चीज़ आ चुका है, तो इसके चलते मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे, हम लोग गेम में आ चुके हैं, इसको हम लोग जूम इन करते हैं और इधर आप देख सकते हैं द सीजन रिकैप डेटा इज आउट, कम टेक अ लुक। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। नया इंटरफेस नहीं है, ऑलरेडी ये इंटरफेस है, जिसमें आप देख सकते हैं सीजन रिकैप आपको देखने को मिल रही है। ये चीज़ पहले नहीं था 2 दिन पहले, बट अभी ये चीज़ लॉन्च हो चुका है, तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग सीजन 10 का रिकैप आ चुका है। तो पिछले सीजन का जो परफॉर्मेंस था उसी का बेस में पबजी ने मुझे एक टाइटल दिया, जिसका नाम है बैटलफील्ड एलाइट। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं नॉर्मल से, मतलब एवरेज से प्लेयर हूँ, इसी चलते आप बोल सकते हैं मुझे ये टाइटल मिला। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, आप अपना जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं किसी को कंपेयर करने वाला नहीं हूँ, सबका अलग अलग गेम प्ले होता है। अगर अच्छा खेलते ख़राब खेलते उससे मेरा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल है। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलता है कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताइए और मुझे देखना कि क्या क्या टाइटल पबजी ने इंट्रोड्यूस किया। आपका हेल्प से मुझे भी पता चल जाएगा कि पबजी मोबाइल में जो सीज़न रिकैप है इसमें कितना टाइटल अवेलेबल है। मुझे अभी तक 2 ही टाइटल पता है, जो है ये वाला बैटलफील्ड एलाइट, और एक टाइटल मुझे मिला जो सेकेंड अकाउंट में, उसमें ज़्यादा मैं खेलता नहीं, तो उसका जो टाइटल थोड़ा अलग है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगी क्या क्या टाइटल आपको मिलेगा। सो आई होप गाइस आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा, आपको जो भी टाइटल मिला वो कमेंट करके आप बोलिए। ये वाला चीज़ आप देख पा रहे जो येलो में लिखा हुआ, ये आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे भी बताइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल हम लोग का हिस्ट्री दिया जा रहा है, जो सीजन 10 का मेरा हिस्ट्री था वो आप देख पा रहे। तो ये जो प्रीवियस सीजन था, सीजन 10 शायद 62 डेज का था, जैसे कि आप देख पा रहे ओवर द पास्ट 62 डेज यू हैव कंप्लीटेड। ये जो स्टैक आप देख पा रहे हैं क्लासिक मोड का, जैसे कि आप देख पा रहे, तो यू हैव कंप्लीटेड 558 मैचेस। तो टोटल मैं 62 डेज में 558 मैचेस कंप्लीट किया हूँ, और टोटल अगर मैं टाइम को मतलब टोटल करूँगा तो 138.1 आवर। तो वो ये जो आवर देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे इसको कमाना होगा, वो ज़्यादा मैं खेलता हूँ। तो और उसके बाद आप देख पा रहे इधर प्रीवियस सीजन में AKM में मास्टर किया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है मैं पहले एम्यूलेटर में खेलता, तो पहले मेरा M4 ज़्यादा अच्छा था, बट मैं सोचा कि जब मैं मोबाइल में शिफ्ट हो ही रहा हूँ तो थोड़ा भयानक वाला गन यूज़ करता हूँ। तो AKM को मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इससे चलते AKM में आप बोल सकते सीजन 10 में मैं ज़्यादा यूज़ किया हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे जो गन आप ज़्यादा यूज़ किया हो करेंट सीजन में वो आपको दिखेगा। तो AKM ज़्यादा यूज़ किया हूँ मैं, तो इसलिए आपको AKM दिख रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे व्हाट्स आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, तो वो सबको कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बताया जा रहा। और टोटल आप देख सकते हैं मैं इतना डैमेज डील किया हूँ, और यू हैव इंजॉयड प्लेइंग TPP इन स्क्वाड। तो मैं ज़्यादातर अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ TPP मोड, और इरेंगेल ही ज़्यादा खेलता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो फेवरेट मैप, ये जो इरेंगेल आप देख पा रहे हैं आपका दूसरा हो सकता है, अगर आप विकेंडी मिरामार और सैनोक प्रीफर करते तो आपका जो ये इरेंगेल होगा वो दूसरा नाम में कन्वर्ट होगा। मेरा टोटल 45 विंस था ये वाला पूरा सीजन में, तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो।
तो जैसा कि मैं आपको बताया, मैं एवरेज प्लेयर हूँ, तो सो आपका जो स्टैक होगा मेरे कंपेयर लाइक नहीं होगा, आपका बहुत अच्छा होगा मेरे से। तो बट मुझे शर्म नहीं आता मेरा स्टैक दिखाने में, जैसा मैं खेलता हूँ वो आपको दिख रहा होगा। सो इधर आप देख पा रहे हैं मोमेंट ऑफ ग्लोरी आपको दिखाई दे रहा है, जो मोस्ट किल एक मैच में मैं कितना किल किया, 14। इधर आप देख पा रहे डैमेज, उसके साथ साथ मैं लास्ट ईयर जो मैं आपको बताया था क्राउन 4 में गया था, और MVP आप देख पा रहे 56 टाइम, और ये वाला टैग मिला क्योंकि मैं बहुत जल्दी मर जाता हूँ, मैं जहाँ तक रश कर लेता हूँ। और इधर आप देख सकते 2 सूट का मुझे टैग मिला, ये होना ही था क्योंकि मैं उससे काम ही करता हूँ। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते फिर से, तो इधर आप देख पा रहे तीनों में मेरा फ्रेंड एक ही फ्रेंड के साथ मैं खेला जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे विन 26 टाइम वाइल इन अ ग्रुप विथ फ्रेंड साइलेंट पार्टनर। तो एक ही फ्रेंड के साथ खेलेंगे तो उसको सब टाइटल मिल गया है, जैसे कि आप देख पा रहे कंप्लीट 326 मैचेस उसके साथ मैं 326 मैच खेला हूँ, और उसके बाद आप देख पा रहे डाई फ्रॉम फॉलिंग 71 टाइम। तो तीनों का ये जो टाइटल है वो मेरा फ्रेंड ही लिया है, दूसरा और भी फ्रेंड के साथ खेला हूँ, बट फॉर्चुनेटली यही जीता है मेरा स्टैक में। और आप भी देखिए कि आपका आपका स्टैक में कौन सा फ्रेंड ये सब पोजिशन में ग्रैब किया है, टॉप किया है। उसके बाद हम लोग इसे इधर क्लिक करते, इधर आप देख पा रहे थे ये जो जितना भी आप चीज़ देख रहे हैं ये टोटल सर्वर का, ये आपका नहीं है। तो ये रंगल मैप ज़्यादा यूज़ किया गया ये टोटल पूरे सीजन 10 में। इधर आप देख पा रहे 4 मिलियन जंप्स हुआ है फोचिंकी में, और M4 अभी भी सबसे टॉप गन है, सबका फेवरेट गन है, तो M4 को अभी भी आप बोल सकते हैं 20 बिलियन लोग यूज़ किया सीजन 10 में, जैसे कि आप देख पा रहे। और ये आप देख पा रहे मेरा टाइटल, इसके बाद आप देख पा रहे विन MVP कितना बार और सर्वाइव फॉर कितना टाइम आप देख पा रहे। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक ट्विटर या अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल डिटेल, आई होप आपको कम्प्लीटली अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने स्टैक देख सकते हो, कमेंट कीजिए आपको कौन सा टाइटल मिला, मुझे ही पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा डेफिनेटली हम सब देख सकते हो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बेल का आइकन तो उसको भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा मैं जब भी न्यू डालूंगा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और अपने कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नेक्स्ट डे, बाय बाय।